देखो जी, जिस जिस बंदे को डीजे लॉक चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में अपना किसी को नहीं मिलेगा। चलो मैं कुछ भी नहीं लेता, डीजे लॉक किसी को नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है सुन और आप देख रहे हैं एसन के गेमिंग। तो यार, जैसे कि मैंने आपको ना आप मेरी ना सुबह वाली वीडियो देख लो, ठीक है। तो इस इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको काफ़ी सारे इवेंट बताए थे। तो भाई साहब चेक करो, ये वाला इवेंट अभी आ चुका है, ठीक है। तो हमारी जो न्यूज़ होती है ना, वो 100% गारंटी से होती है। तो जल्दी से चैनल को मार लो सब्सक्राइब। तो यार, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है ना कितना लाइक, 500 लाइक। यार 500 लाइक्स आज की वीडियो का लाइक टारगेट है, ठीक है। तो जल्दी से हमारे 500 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करा दो। तो आज हमारे गेम पे आया हुआ है न्यू इवेंट। तो उसमें यार, उस इवेंट की एक बहुत ओपी किस्म की बात है, ठीक है। वो बहुत ओपी किस्म की बात है उस इवेंट की। तो वो वाला इवेंट अभी हम निकालते हैं जी, किधर का हमारा न्यू वाला इवेंट। और उसके साथ साथ यार हमारी ये देखो ना, UMP भी आई हुई है, ये वही भी हम निकालेंगे, लेकिन ये इस वीडियो में नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो शाम तक आएगी, तो उस तक उसमें हम निकालेंगे ये वाली UMP। तो अभी जो अभी हमारा न्यू इवेंट आया, तो भाई साहब वो न्यू इवेंट हमारा किधर गया यार, न्यू इवेंट हमारा किधर गया। तो ये क्या FFCS प्लेन, तो ये तो दूसरा है ना यार, इधर तो आया नहीं रहा। अभी हमें गेम को ना मेरे हिसाब से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ात जो इवेंट आता है ना, बैनर वगैरह इसको आ जाता है, लेकिन इधर कभी शो ही नहीं होता। तो अभी सीधे सीधे हम आ चुके हैं जी गेम पर, ठीक है। इवेंट पे आ चुके हैं, पहला स्पिन भी हमने मार दिया। दोबारा पाकिस्तान होने वाला था हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो रिकॉर्डिंग थी ना वो ऑफ हो गई थी, मैं बिना रिकॉर्ड किए वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था। तो अभी हमारी बचत हो गई है। तो इस इवेंट की एक खास बात यह है कि जैसे देखो यार, अभी मैंने एक स्पिन मार दिया ना, तो एक स्पिन मैंने इधर मार दिया, तो ये कह रहा है रिमूव, ठीक है। तो इधर से आपने ना फ्री का स्पिन नहीं है ये, मतलब आप समझ लो कि ये फ्री का स्पिन नहीं है। तो आपने इधर से एक आइटम रिमूव करनी है, ठीक है। तो कोई भी आप इधर से एक आइटम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या रिमूव करना चाहिए यार, मुझे रिमूव करेंगे हम कौन से क्या करना चाहिए यार। चलो ये MP40 का बॉक्सिस करा, इसको रिमूव कर देते हैं। चलो जी, इसको हम करेंगे रिमूव। नहीं यार, कौन सा करना चाहिए, MP M60 एक है या फिर ये दो तीन जफर ये रिमूव करवाएंगे। चलो देखते हैं ना, M60 को पहले हम रिमूव करते हैं। मेरे हिसाब में ये बार बार रिमूव होगा, ठीक है। तो अभी 49 का मारेंगे स्पिन, तो फिर से ये देखते हैं रिमूव कराएंगे या नहीं कराएंगे। अगर रिमूव कराएंगे यार, ये बंडल बहुत सस्ता निकलेगा यार। वैसे तो इस पर आपके डायमंड लगने वाले हैं, 1500 डायमंड लगने वाले हैं, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा तो उससे आपको ना बहुत कम डायमंड लगेगा, ठीक है। ट्रिक क्या है ये समझ नहीं पड़ा हुआ ना आपकी, कौन सी ट्रिक है ये। तो अभी फिर से ओ भाई साहब चेक करो, एक स्पिन मारोगे और एक चीज़ रिमूव हो जाएगी जैसे खुद बहुत रिमूव। यार ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया अगर इन वालों ने, कि ये एक चीज़ इधर से रिमूव करो और दूसरा। ये मेरे हिसाब में ना 2-3 दिन पहले भी एक इवेंट आया था, 2-3 बोल रहा हूँ, 1-2 हफ्ते या फिर बोल सकते हैं जो भी। तो ये वाला इवेंट आया था, इस टाइप का कुछ आया था, तो उसमें भी हमें न्यू चीज़ देखने को मिली थी। तो ये वाला भी हमें कुछ न्यू देखने को मिला। तो इसी बात पर वीडियो को मारो लाइक। तो ये देखो 99 का स्पिन हो गया, अभी देखते हैं फिर से ऑप्शन आता है या नहीं आता। तो भाई साहब किधर गया, हाँ फिर से ऑप्शन आ गया, चेक करो, फिर से ऑप्शन आ गया रिमूव वाला ऑप्शन। तो अभी हम इधर से ये रिमूव कर देते हैं, डायमंड रॉयल कार्ड वाला इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये इमोट है ना, ये इमोट यार कौन सा यार, इमोट कौन सा यार, न्यू कुछ नहीं इमोट ना हो ना यार, क्योंकि फिर से हमारी पक्की पड़ जाएगी ना इमोट की भी, क्या शायद न्यू इमोट हो तो फिर हम उसको रिमूव कर दें। तो चलो यार देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। पहले मारेंगे 99 का स्पिन, तो देखते हैं फिर रिमूव का ऑप्शन आता है या नहीं आता। ओ यार डायमंड ये निकल गया यार, इनक्यूबेटर का वाउचर हमारा निकल गया, ये नहीं निकलना चाहिए था यार। तो चलो यार इमोट, अच्छा इमोट मुझे पता लग गया कौन सा इमोट है, ठीक है, मुझे पता लग गया अभी इमोट कौन सा है। वो मैं अभी आपके अभी इसको ना बाद में जाके आपको मैं इसका नाम बताऊंगा, ठीक है। तो इस इमोट को मेरे हिसाब में इमोट को ही हम करेंगे रिमूव, ठीक है, क्योंकि बाकी तो अभी बंडल बचा है। तो अगर मैं इसको इमोट को रिमूव नहीं करता ना, तो मेरा लॉस्ट स्पिन 800 डायमंड का होगा, ठीक है, 800 डायमंड का स्पिन हो जाएगा, 7799 का जो। और अभी ये देख सकते हैं कि मेरा बंडल अभी मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 499 डायमंड का, 500 डायमंड के स्पिन पे मुझे मिल रहा है। तो ये वाला इमोट जो था ना, जो दो हाथ से जूं हिलाता रहता है ना, ये वो वाला इमोट है, बिल्कुल क्या बोलते हैं यार, लेजेंडरी तो नहीं है वैसे ही इमोट है ये वाला, तो जो हाथ हिलाता है, ठीक है। ओप एंड पता नहीं क्या नाम है इसका, अभी आपको समझ आ जाएगी। तो कौन सा इमोट है, इतना कुछ खास इमोट नहीं था, पुराना इमोट ही है। तो बाकी ये देख सकते हैं मैंने कितने डायमंड इस पर लगाए हैं, ये हो गए जी कितने, 60 हो गए, और ये मिला जुला के ना अभी मेरा 1000 डायमंड लग गए हैं शायद, मेरे 900 या फिर 1000 डायमंड लगे। तो चेक करो भाई साहब, अभी हमारा निकल चुका है ब्रांड न्यू बंडल। तो ये जाके मैं अभी आपको वॉलेट में भी जाके दिखाता हूँ कैसा नज़र आने वाला बंडल है। वॉलेट में नहीं, सीधा मैं आपको खुला के देखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बंडल वगैरह भी खोल दिए हैं, जिसने मेरी बंडल्स की वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। तो यार टिकटॉक पे फॉलो करो यार, मुझे टिकटॉक पे जल्दी से फॉलो करो, और हमारा सेकंड चैनल जिधर मर्जी है यार फॉलो करते रहो।
तो ये UMPP आ गई अल्टीमेट। तो ये शाम को वीडियो आएगी किसी नए तरीके से, ठीक है, ये नहीं कि मैं वॉइस ओवर करूँगा, बहुत ओपी किस्म के तरीके से वीडियो आएगी जो हम UMP को करेंगे ओपन, ठीक है। तो ये बैजेस वगैरह भी क्लेम कर लेते हैं। तो अभी आपको ना मैं बंडल दिखाता हूँ। तो चलो यार अभी मैं आपको, अभी हम आ चुके हैं जी वॉलेट में, तो वॉलेट में जाके अभी आपको बंडल दिखाते हैं। ये चेक करो, वॉलेट आ गई हमारी, लेकिन उससे पहले लड़की को तो नहीं पहना सकते ना, तो अभी हमें लेना पड़ेगा, क्या लेते हैं यार, चलो की ले लेते हैं। तो इस पे क्लिक करना चाहिए। चलो जी अभी हमने स्लॉट कर दिया जी डीजे लोक, तो इसके ऊपर हम पहनाएंगे जी न्यू वाला बंडल। तो न्यू वाला बंडल, चलो जी ये हो गया जी इक्विप। तो इसके यार बाल बहुत ओपी हैं यार, इसके बाल भी बहुत ओपी हैं। बाकी बस कलेक्शन के लिए आप इसको निकाल लो, तो बाकी बंडल आपके सामने आया। तो आप इसको कितने नंबर दोगे, 10 में से आप इस बंडल को कितने नंबर दोगे, क्या कहते हो फिर ये बंडल कैसा होना चाहिए, फिर कैसा है बंडल जबरा, ठीक है। तो मेरे हिसाब में ना इसको कोई हम ड्रेसिंग वगैरह कुछ करा देते हैं, देखते हैं ये ओपी लगे, क्योंकि यार इसकी पेंट जो है ना, पेंट मुझे यो भाई साहब इसकी पेंट ना उस जैसी है जो सीज़न 1 का अलर्ट बस नहीं है, जो मेल वाला बंडल है उस जैसी पेंट लग रही है यार मुझे, ये सकूरा जो बंडल नहीं है उस जैसी लग रही है। तो बाकी इस पे यार पेंट कौन सी लगानी चाहिए हमें, तो पेंट कौन सी लगानी चाहिए यार हमें, मेरे ऐसा ओह ये भी काफ़ी ओपी लग रही है पेंट। बाकी ये वाली भी नहीं, कुछ नहीं खास नहीं है। तो मेरे हिसाब में ना जैज पेंट ये वाली पहनाते हैं, और ये रेड ओह ये भी थोड़ा मैच कर रही है यार। चलो ये हमने इसको पहना दिया रेड वाली शर्ट, ठीक है। तो बाकी भी आप बताओ ये वाला बंडल किस किस बंदे ने निकाल लिया और किस किस ने नहीं निकाला। तो मैंने बंडल निकाल दिया, तो आप सबको पता ही है यार जो भी इवेंट आता है ना, जो भी इवेंट आता है तो हम निकालते ज़रूर हैं, ठीक है। 1-2 घंटे या फिर आधा घंटा लेट ज़रूर हो जाती है हमारी वीडियो, क्योंकि इवेंट 9 बजे आता है, तो इसलिए फिर उठना भी पड़ता है, तो फिर एकदम उठ के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो ये सीन हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है बंदा। चलो कोई नहीं यार, अभी ना यार मैंने आपको बोला था ना कि फ्री फायर की रियल लाइफ की वीडियो आएंगी मेरे चैनल पर, तो बताऊँ क्या करने वाले हैं अभी ना, एक बैनर वगैरह बनवाने वाले हैं या फिर खुद ही कुछ चीज़ बनाते हैं बना के ना, तो उस पर हम चीज़ें लिखेंगे और डायमंड लगाएंगे, ठीक है, डायमंड वगैरह लिखेंगे, तो फिर उस पर हम मारेंगे स्पिन, ठीक है। तो देखते हैं रियल लाइफ पे स्पिन पे कितने हमारे डायमंड लगते हैं और गेम पे हमारे कितने डायमंड वगैरह लगते हैं, मतलब कि बैनर वगैरह बनवाएंगे और फैटेड व्हील वगैरह भी खुद ही, मतलब कि ना कुछ सीन करेंगे, ठीक है, खुद ही फैटेड व्हील वगैरह बनाएंगे, तो उस पर मारेंगे स्पिन, तो स्पिन मार के देखेंगे रियल लाइफ में भी कैसा हमारा लक काम करता है। तो ये सब कुछ हम करने वाले हैं कुछ आने वाले दिनों में, तो इसीलिए यार मैंने आपको बार बार बोलना यार, जिस बंदे ने ना फेस रिवील वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो यार जगह देख लो ना, मैंने देखा ना कि कोई कोई न्यू बंदे आ रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि फाइनली फेस रिवील हो गया, ये हो गया, वो हो गया कल वाली वीडियो में। तो असल जो फेस रिवील हुआ था ना, तो वो मेरी वीडियो में हुआ था, दूसरी वीडियो में जाकर देख लो, ठीक है, चैनल में पड़ी हुई है फेस रिवील वाली, तो वो भी जाके आप उधर से देख सकते हो, ठीक है। जाके ना मुझे ना टिकटॉक पर फॉलो करो यार, क्योंकि यार फारियो पे जाना हमने भी टिकटॉक पर, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, 12,000 या फिर 11,000 सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ फॉलोवर हैं, तो उधर भी जाके फॉलो कर लो, तो आप उधर भी जाके देख सकते हो मैंने क्या क्या काम किया हुआ टिकटॉक पे, यूट्यूब से पहले मैं टिकटॉक पे होता था, ठीक है। तो चलो भाई साहब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।